अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की मुख्तलिफ बैंक से सऊद रियाल का नया रेट लेकर आप बैंक की खिदमत में हाजिर हूँ। आज 29 अगस्त 2021 और इतवार का दिन है। अगर आप रियाल सेंड करना चाहते हैं या चेंज करवाने का इरादा हो तो ये वीडियो देखिए ताकि आपको रेट का पहले से अंदाज़ा हो और इत्मीनान से डीलिंग करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा करेंसी रेट्स और दूसरे मालूमाती वीडियोस शेयर करते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम शुरुआत वेस्टर्न यूनियन से करेंगे। तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.78 रुपये का, इंडिया के लिए 19.48 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.52 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.37 रुपये का। अगर बात हो जाए मनीग्राम का, तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 44.13 रुपये का, इंडिया के लिए 19.41 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.39 रुपये और नेपाल के लिए एक रियल का रेट देता है 31.49 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.75 रुपये का, इंडिया के लिए 19.50 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.30 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.27 रुपये। अगर हम बात करें एक्सप्रेस मनी के बारे में, तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.72 रुपये का, इंडिया के लिए 19.58 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.40 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.72 रुपये। इसके अलावा बारी आती है अलराजी बैंक का। तो अलराजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.75 रुपये का, इंडिया के लिए 19.57 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.41 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.73 रुपये। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इंजाज बैंक के बारे में कि ये क्या रेट दे रहा है। तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.73 रुपये का, इंडिया के लिए 19.53 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.35 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.45 रुपये का। अगर बात हो जाए एएनबी टेलीमनी का, तो एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.72 रुपये का, इंडिया के लिए 19.58 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.30 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.70 रुपये। अगर हम बात करें एनसीबी क्विक पे के बारे में, तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.73 रुपये का, इंडिया के लिए 19.40 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.32 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.76 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है सऊदी इरसाल का। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.70 रुपये का, इंडिया के लिए 19.30 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.30 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.70 रुपये। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.78 रुपये का, इंडिया के लिए 19.54 रुपये। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एसटीसी पे के बारे में कि ये क्या रेट दे रहा है। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियल का रेट देता है 43.86 रुपये का, इंडिया के लिए 19.50 रुपये, बांग्लादेश के लिए 22.49 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये